हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंसिया ब्रिंडी। तब सभी का वेजिटेबल साइंस एमसीक्यू सीरीज के 26th पार्ट में स्वागत है। सो दिस वेजिटेबल साइंस एमसीक्यू सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, स्पेशली जो ICAR SRF, ICAR JRF है, ICAR NET का एग्जाम है वेजिटेबल साइंस में, और IBPS का एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम है, या FCI का एग्जाम है, NABARD का एग्जाम है, हॉर्टिकल्चर बलून ऑफिसर का एग्जाम है। तुम सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो भी हमारे दूसरे वीडियोस हैं सिंसिया ब्रिंडी चैनल में, चाहे वो एग्रीकल्चर करंट अफेयर एपिसोड्स हो, जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज है, राइट, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एमसीक्यू सीरीज है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एमसीक्यू सीरीज है, हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज है, तो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। जिससे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करें, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपको हमारे वीडियोज से लगता है कि आपको फायदा हो रहा है, तो प्लीज जितना हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्लाइमेट्रिक वेजिटेबल क्रॉप। इनमें से कौन सी जो है वो नॉन क्लाइमेट्रिक वेजिटेबल है, राइट? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, क्यूकुम्बर, टोमेटो, मस्कमेलन एंड वाटरमेलन, ये तीनों जो है क्लाइमेट्रिक वेजिटेबल्स है। एडिबल पार्ट इन चाइनीज आर्टिचॉक इज, अब चाइनीज आर्टिचोक जो होता है उसमें एडिबल पार्ट क्या होता है, राइट? अब होता तो क्या है कि मॉडिफाइड रूट्स आर एडिबल पार्ट, बट मॉडिफाइड रूट्स में भी कौन सा पार्ट जो होता है वो डेट इज मॉडिफाइड। तो चाइनीज आर्टिचोक में जो एडिबल पार्ट है डेट इज योर मॉडिफाइड टैप रूट, राइट? एडिबल पार्ट इन चाइनीज आर्टिचोक में क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड टैप रूट। नेक्स्ट इज फ्लावर हेड इज एडिबल इन, कौन सी वेजिटेबल में फ्लावर हेड्स जो होते हैं वो एडिबल पार्ट होता है। तो फ्लावर हेड्स जो होते हैं दे आर एडिबल इन ब्रोकली में, ग्लोब आर्टिचोक में, या बोथ ए एंड बी में, या नन। तो फ्लावर हेड्स आर एडिबल इन बोथ ऑफ दीज क्रॉप्स, ब्रोकली में भी और ग्लोब आर्टिचोक में भी। तो राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। शेलो रूटेड वेजिटेबल इज, इनमें से कौन सी जो है विच इज शेलो रूटेड वेजिटेबल क्रॉप है। तो इसमें जो हम देख सकते हैं तो अनियन जो है डेट इज अ शेलो रूटेड वेजिटेबल क्रॉप। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक पार्ट ऑफ लीक इज, लीक का इकोनॉमिक पार्ट क्या है, ब्लास्ट स्टेम एंड लीव्स, ट्यूबर, रूट या बल्ब। तो लीक जो होता है नॉन बल्ब फॉर्मिंग मेंबर ऑफ अनियन फैमिली है, तो मतलब बल्ब इसमें नहीं बनते हैं, तो बल्ब तो इसका आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पे एडिबल पार्ट जो होता है या इकोनॉमिक पार्ट जो है लीक का डेट इज योर ब्लास्ट स्टेम एंड लीव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग डे वेजिटेबल क्रॉप, इनमें से कौन सी वेजिटेबल जो लॉन्ग डे है। टोमेटो की बात करें तो डे न्यूट्रल है, ब्रिंजल भी ऑलमोस्ट डे न्यूट्रल है, स्वीट पोटैटो की बात करें तो स्वीट पोटैटो आपने पढ़ा होगा कि शॉर्ट डे है, तो पोटैटो जो है डेट इज लॉन्ग डे है, पोटैटो को लॉन्ग डे चाहिए फॉर द फ्लावरिंग के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, पोटैटो। नेक्स्ट इज सतपुतिया इज ए वैरायटी ऑफ, सतपुतिया जो एक किसकी वैरायटी है, पॉइंटेड गोट, स्पॉन्ज गोट, रिज गोट या लिटिल गोट की। तो जो सतपुतिया है दिस इज अ वैरायटी ऑफ रिज गोट, एक्चुअली दिस इज हर्माफ्रोडाइट कल्टीवार है रिज गोट का, राइट, सतपुतिया। जोनिंग इज ए डिसऑर्डर ऑफ, जोनिंग जो है वो किसका डिसऑर्डर है, तो जोनिंग जो है डेट इज अ मेजर डिसऑर्डर इन योर बीट रूट क्रॉप में। नेक्स्ट इज पिल्लो इज ए डिसऑर्डर ऑफ, पिल्लो जो है वो कौन सी क्रॉप का डिसऑर्डर है, पिल्लो जो है डेट इज फाउंड इन योर क्यूकुम्बर में, पिल्लो जो क्यूकुम्बर का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आयोडीन रिच वेजिटेबल इज, इनमें से कौन सी वेजिटेबल है जिसमें आयोडीन की मात्रा काफी पाई जाती है, मतलब हम कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ आयोडीन है, तो डेट इज योर ओकरा, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज वेजिटेबल सोर्स ऑफ विटामिन डी इज, कौन सी वेजिटेबल जो है विच इज अ सोर्स ऑफ योर विटामिन डी। इसका राइट आंसर है आपका सी, मशरूम्स, मशरूम्स आर द गुड सोर्स ऑफ योर विटामिन डी। जमुनानगर, जमुनानगर लोकल इज ए वैरायटी ऑफ, जमुनानगर लोकल जो किसकी वैरायटी है, तो दिस इज द वैरायटी ऑफ लोकल कल्टीवार ऑफ योर गार्लिक। नेक्स्ट इज नेकफॉल इंडिकेट्स मैच्योरिटी इन, नेकफॉल जो है वो किस वेजिटेबल क्रॉप में इंडिकेशन ऑफ मैच्योरिटी है, तो नेकफॉल जो है दैट इज द इंडिकेशन ऑफ मैच्योरिटी इन अनियन में। पफी फ्रूट इन टोमेटो इज ड्यू टू, टोमेटो में पफी फ्रूट जो होते हैं वो किस वजह से होते हैं, तो दैट इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है टोमेटो में, तो राइट आंसर इज योर सी। नेक्स्ट इज बेनिन कासा हिस्पिडा इज, तो बेनिन कासा हिस्पिडा जो है दैट इज अ बोटेनिकल नेम ऑफ दैट इज योर बेक्स गोट। कुकुमिस सेटाइवस वार शिशवांग बेंसिस हैज द फ्लैश कलर, ये जो कुकुमिस टाइबस वार शिशवांग बेंसिस जो स्पीसीज है इसमें जो फ्लैश कलर है किस टाइप का होता है,
इसमें जो फ्लैश कलर है दैट इज ऑरेंज कलर का होता है, मतलब दिस इज द सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन का सोर्स है राइट। एंड इसमें जो फ्रूट वेट भी हम देखें तो लगभग 5 kg तक इसका फ्रूट्स होते हैं राइट। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ नेमाटोड रेजिस्टेंस इन टोमेटो, इसमें कौन सी वाइल्ड स्पीसीज है विच इज मेन सोर्स ऑफ नेमाटोड रेजिस्टेंस है टोमेटो में, इसका राइट आंसर है आपका सी सोलेनम पेरुवियानम। डबल रिच इज सोर्स ऑफ हाई डैश इन टोमेटो, अब डबल रिच जो है कल्टीवार जो है या जो लोकल रेस है दैट इज अ सोर्स ऑफ हाई एस्कोर्बिक एसिड इन टोमेटो में। नेक्स्ट इज नीडल नेमाटोड अटैक कौन, जो नीडल नेमाटोड होता है वो मेनली किस क्रॉप में अटैक करता है, तो इसका राइट आंसर है आपका बी कैरेट में। द जीनोम ऑफ रैबिडोप्सिस थैलियाना वाज सीक्वेंस्ड एंड पब्लिश्ड इन, जो रैबिडोप्सिस थैलियाना था तो उसका जीनोम कब सीक्वेंस से पब्लिश किया गया, तो इसका राइट आंसर है आपका बी 2000 में। तो रैबिडोप्सिस थैलियाना का जीनोम कब सीक्वेंस होता, 2000 में राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को प्रमोट करें एंड सपोर्ट करें, और स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेंडी। आई होप ऑल ऑफ आवर वीडियोस दे वुड बी हेल्पफुल फॉर यू राइट। स्टे हैप्पी, जय हिंद, थैंक यू।